22 राज्यों में देखा जाने वाला नेशनल हिंदी न्यूज चैनल, लाखों दर्शकों का भरोसेमंद न्यूज चैनल R9 भारत। भारतवर्ष के किसी भी राज्य से जुड़ने के लिए संपर्क करें। हमारा संपर्क सूत्र है 7905250434। राष्ट्रीय हिंदी न्यूज चैनल R9 भारत। आकर्षक वेतन, भत्ता एवं बीमा सुविधा के साथ जल्द दिखेंगे जियो टीवी और फ्री डिश पर। देखते रहिए R9 भारत। आज संवाद के माध्यम से बिहार में जो शिकायतें हैं उसे दूर किया गया। 1700 टोलों में चिन्हित किए गए हैं जहां की टोलों में नल जल पहुँचाया जाएगा। 3500 पंचायत सरकारी भवन बनेंगे। इस वित्तीय वर्ष में 1600 पर काम पूर्ण हो गए हैं और 8000 पंचायत भवन सरकारी बनेंगे और अगले वित्तीय वर्ष में 3100 पंचायत सेवक मिलेंगे जिन्हें नए जिम्मेदारी दिए जाएंगे। वहीं नलजल में कमियों पर बोले मंत्री, कहा कि 42000 जगहों में पानी दिया जा रहा है। IoT डिवाइस लगे हैं, आगे पूरे कर लिए जाएंगे। 11% खराब से सर्वे में पता चला कि उसे ठीक करा रहे हैं। लाइब्रेरी को कंसेप्ट को भी ला रहे हैं। पोस्टल बैंक को भी पंचायत सरकार भवन मिला रहे हैं। बंगाल के मुख्यमंत्री को सोचना चाहिए। माँ काली पर गलत टिप्पणी कर ममता बनर्जी को देखना चाहिए। फिल्म में सही और गलत दोनों दिखाए जाते हैं। जनता उन्हें जवाब देगी। देखिए, 48000 जगह पर IoT डिवाइस हमने लगाया और जिसमें से 42000 में हमारे सुचारू रूप से पानी दिए जा रहे हैं और आगे भी 20000 जगह पर अभी हमको IoT डिवाइस लगाने हैं। और डिवाइस जब लग जाएगा तो मैं गारंटी के साथ कहता हूँ कि 100% रिपोर्ट डैशबोर्ड आपके साथ भी शेयर करूँगा, जिससे कि आपको भी पता चल सके कि आज बिहार के कितने गांव में पानी चल रहा है और कितने जगह खराब है। पिछले बार हम लोगों ने रैंडमली पूरा इसका सर्वे जांच कराया था। मुख्य सचिव की अध्यक्षता में पूरे बिहार में जांच की प्रक्रिया पूर्ण की गई। लगभग 11% सरकार के स्तर पर माननीय मुख्यमंत्री जी और सभी लोग वहां जाकर सारी व्यवस्था को भी उन्होंने किया और देश के बड़े नेता लालू जी हैं, उनकी सुरक्षा, उनके स्वास्थ्य लाभ की पूरी चिंता सरकार को है। देखिए, हम लोग गठबंधन में हैं और भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड का यहाँ गठबंधन है और गठबंधन में एक दूसरे के सहयोगी हैं। जहाँ जनता दल यूनाइटेड को सहयोग की जरूरत पड़ेगी, भारतीय जनता पार्टी सहयोग करेगी। सवाल है सर, इस वित्तीय वर्ष में 3500 जगह पर हम नए पंचायत सरकार भवन का निर्माण का काम शुरू करने जा रहे हैं। लगभग 2200 से अधिक पर काम हमारे जारी हैं, 1600 से अधिक पर काम हमारे पूर्ण हो चुके हैं और 3500 पंचायत सरकार भवन हम इस वित्तीय वर्ष में पूरे बिहार में शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें से 2500 नए हम अभी लेंगे और 1000 पुराना बैकलॉग हम पूरा करेंगे। सर, प्रधानमंत्री भारत देखिए, पूरी तरह ये शताब्दी वर्ष जो बिहार विधानसभा के द्वारा मनाया जा रहा है उसका एक तरह से समापन कार्यक्रम है। उसमें आदरणीय प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं और उसी दिन जो वृक्ष जो हमारा एक सिंबॉलिक है बिहार का, उसका भी उद्घाटन करेंगे और शिलान्यास भी करेंगे। जो बिहार विधानसभा का म्यूजियम बनने वाला है उसके शिलान्यास की भी तैयारी है। साथ ही साथ हम प्रधानमंत्री जी को विशेष तौर पर धन्यवाद देते हैं, बिहार तो आ ही रहे हैं, साथ ही झारखंड जो बिहार के एकदम निकटतम बगल में आ रहे हैं, जो देवघर में हमारा एयरपोर्ट की शुरुआत करने आ रहे हैं, इससे बिहार के भी कई जिले जो मुंगेर भागलपुर प्रमंडल है, पटना के कुछ इलाके हैं, जो नवादा सेक्टर के इलाके हैं, वो लोग सारे लोग देवघर से भी जुड़ेंगे। हम तो प्रधानमंत्री लगातार जिस तरह उड़ान सेवा के माध्यम से लगातार ये पूरी व्यवस्था खड़ा कर रहे हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में एयरपोर्ट की पूरी व्यवस्था खड़ी करें। आप देख रहे हैं कि हमारे यहाँ दरभंगा चालू हुआ तो लाखों लाख लोग उसमें ट्रेवल कर